नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पंजाब स्टडी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर जूनियर इंजीनियर का जीके पोर्शन। हम इसका डिस्कस करेंगे तो फर्स्ट है, हड़प्पा के कौन से स्थल से घोड़े के चिन्ह पाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है सुरकोटड़ा से, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से मौर्यकालीन राज्य में एक विदेशी गवर्नर था? तो इसका राइट आंसर है सौराष्ट्र, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में डैश के सिक्के जारी किए थे? तो गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में स्वर्ण यानी कि सोने के सिक्के जारी किए थे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, वह पहला सुल्तान जिसने अकाल प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए अकाल संहिता का निर्माण किया? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्तमघा भूमि अनुदान किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था जहांगीर के द्वारा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजीवनी साप्ताहिक के प्रकाशन कौन थे जिसने सर्वप्रथम अंग्रेजी सामान के बहिष्कार का सुझाव दिया था? तो इसका राइट आंसर है के मित्र, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किसके प्रभाव के कारण सितंबर 1932 में यरवदा जेल में गांधी जी को आमरण उपवास करने पड़े जिसके परिणाम स्वरूप पूना पैक्ट की स्वीकृति मिली? तो इसका राइट आंसर है कम्युनल अवार्ड, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए? तो इसके लिए चुनाव हुए 1946 में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कले तथा शैल रूपांतरित होते हैं? तो ये रूपांतरित होते हैं स्लेट में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मीसोस्फीयर की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 80 किलोमीटर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, समुद्र जल की औसत लवणता लगभग होती है? तो ये होती है लगभग 35%, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, वह मृदा जो नदी द्वारा ली जाई जाती है तथा भूमि पर निक्षेपित होती है तो वो कहलाती है जलो मृदा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का मछुआही बड़ी बेड़ा विश्व का सबसे आधुनिक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है आइसलैंड, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ऋणात्मक व्यापार संतुलन वाला देश जाना जाता है? तो ये जाना जाता है व्यापार देनदार राष्ट्र, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, संग्रहण किसकी एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है? तो ये है उष्णकटिबंधीय जंगल की, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, गारो खासी तथा जैतिया पहाड़ियाँ किसके समकालीन निर्मित हुई? तो ये हुई है मालाबार पहाड़ की समकालीन, मालाबार, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, वह श्रृंखला जो नदी भीमा तथा ऊपरी गोदावरी के मध्य उपस्थित है तो वो है अजंता श्रृंखला, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्नाटक की मुख्य प्रवाह के रूप में प्रसिद्ध है? तो ये है कावेरी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सीसा तथा जिंक के उत्पाद में सबसे शीर्ष पर है? तो ये है राजस्थान, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पादप में फल नहीं लगते परंतु बीज उत्पन्न होते हैं? तो ये है साइकस, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सभी आवर्ती धूमकेतु घूमते हैं? तो ये घूमते हैं परवलय, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म हो जाता है? तो ये होता है संवहन के द्वारा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से संचार के अच्छे प्रभावी वाहक है? तो इसका राइट आंसर है सूक्ष्म तरंगी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किसमें पाए जाने वाले घटक द्वारा शरीर को प्रतिरक्षा प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर है रक्त सीरम, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पद बैंकिंग से जुड़ा हुआ नहीं है? तो नहीं है जीरो ओवर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक अतिरिक्त संवैधानिक तथा गैर वैधानिक निकाय है? तो ये है नीति आयोग, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला तथा दुर्गापुर लौह तथा इस्पात प्लांट की कल्पना की गई थी? तो इसका राइट आंसर है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान तहत, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश काल के दौरान भारत में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल के दौरान हुई थी? तो फर्स्ट जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल के दौरान, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय नदी है? तो इनमें से अंतर्राष्ट्रीय नदी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या स्टॉक एक्सचेंज का स्टोरिया नहीं है? तो इसका राइट आंसर है हिरन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्राधिकारी के आदेश को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की कौन सी रिट, कौन सा आदेश लाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है अधिकार पृच्छा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कानून के किसी भी प्रश्न के संदर्भ में भारत के सर्वोच्च न्यायालय से सलाह की या राय प्राप्त करना का अधिकार किसे है? तो ये है राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महालेखाकार तथा महानियंत्रक की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो इसकी नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में कितने राजनीतिक दल को केवल तभी विपक्ष का स्थान होता है जब वह प्राप्त करते हैं? तो जब वह प्राप्त करते हैं 10% सीटें, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 889 बराबर है 8 के, 625 बराबर 1 तथा 586 बराबर 9, तो 785 कितने के बराबर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 6 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुरुष अपना सिर नीचे तथा पैर ऊपर करके योग कर रहा है, उसका मुख पश्चिम दिशा में है, उसका बायां हाथ किस दिशा में होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है उत्तर दिशा में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की निम्नलिखित में से किस जिले में महत्तम संख्या में औद्योगिक इकाई है? तो इसका राइट आंसर है कांगड़ा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कालका शिमला रेलवे यात्रा में सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? इसका राइट आंसर है बारोग, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में नैना देवी मंदिर अवस्थित है? तो नैना देवी मंदिर है बिलासपुर में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त थे? तो प्रथम मुख्य आयुक्त थे आंसी मेहता, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये करंट के है, इनको कर देते हैं स्किप। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश से है, फर्स्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन है, मीन एंटोनिम ऑफ द वर्ड इम्पल्सिव इज, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी डेलिब्रेट, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मीनिंग ऑफ द इडियम आउट ऑफ द वे इज, तो इसका राइट आंसर है नॉट कॉमन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, द लीडर ब्लैंक पब्लिकली फॉर हिज एक्शन, तो इसका राइट आंसर है अपोलोजाइज्ड, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, नी जमा उन, तो इसका राइट आंसर है न्यून, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, व्यर्थ में समास है, व्यर्थ में समास है अव्ययीभाव समास, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोथा चना बाजे घना कहावत का अर्थ है? तो इसका अर्थ है गुण से अधिक आडंबर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, थैंक यू सो मच।